युवा साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनका जिला मंडन होकर उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। साथियों, मुझे बताया आपका बुरा दौर चल रहा है, कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, आस पड़ोस के और रिश्तेदार ये कहते हैं कि आपका चयन नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो, कई दंश कई समस्याओं का आप सामना कर रहे हो। लेकिन साथियों, मैं आपकी पीड़ा भलीभांति जानता हूं। मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई तो प्रकाश चौधरी आपका जो चयनित अभ्यर्थी उनको साथ ले गया और मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि साहब ये ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित है लेकिन इनके जिला आवंटन नहीं हो रहे, ना ज्वाइनिंग हो पा रही है और आपके निर्देश से ही 1500 पद इस भर्ती में बढ़े थे। और आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और सचिव से वार्ता हुई तो आपका हेमराज जो चयनित अभ्यर्थी आज की वार्ता में मौजूद था और उसके बाद अभय कुमार जी और नवीन जैन साहब से भी मुलाकात हुई है, तभी भी आपके अभ्यर्थी मौजूद थे। यानी कि जब आपका बुरा दौर चल रहा है, यानी कि कुशिया मिल चुकी है, आप चयनित हो चुके हैं, लेकिन जो आपको जो ज्वाइनिंग की जो बड़ी अपार खुशी आपको मिलनी थी, जो आप सपना देख रहे थे, वो सपना साकार होने वाला था, उससे आप अधूरे हैं। लेकिन इस बुरे दौर में कोई साथ है तो आपका भाई उपेंद्र यादव है। पता, मैंने आपको एक बात कही थी कि मेरी सिस्टर की शादी है तो मैं उससे पहले आपके जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी करवाकर ही मैं गांव जाऊंगा। कई लोगों को मैसेज आ रहा है कि उपेंद्र जी गांव चले जाएंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा, लेकिन मैं रुका हुआ हूं आप लोगों के लिए। आज पूरे दिन भर शादी के कार्ड बांटने के बजाय मैं आपके काम में लगा हुआ था और आज का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। नवीन जैन साहब ने भी सारी चीजें बताई, अभय कुमार जी ने बताई और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और सचिव साहब आरती डोगरा जी और कुलदीप राणा जी वहां तक बात पूछे, वो बात करके और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी क्योंकि आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो। इससे बेहतर प्रयास हो भी नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जी से आपके अभ्यर्थी को मैंने डायरेक्ट मुलाकात करके आपकी बात रखवाई है। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, सचिव आपके SES अभय कुमार जी और जो आपके सेक्रेटरी नवीन जैन साहब, हर जगह मैंने आपकी मजबूती से बात रखी है। इस बुरे दौर में, इस संकट में आपके साथ हूं और जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना था, झूठ नहीं बोलना था, मुझे धरातल पर मेहनत करना था, साथ जाकर आपके अभ्यर्थियों के साथ जाकर मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं। आपके बुरा समय जाने वाला है, आपकी खुशियों का दिन आने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव और सचिव दोनों पॉजिटिव हैं। नवीन जैन साहब जो इस भर्ती को, उलझी हुई भर्ती को सुलझाने में अहम योगदान निभाया है नवीन जैन साहब ने, वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। हम पूरा प्रयास करें कि इसी वीक में जिला आवंटन होगा, आपको खुशखबरी मिले, पूरा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं जिस प्रकार आज अधिकारी से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और सचिव साहब ने भी आपकी पीड़ा समझी है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। और मैं वादा कर रहा हूं जब तक आप लोगों को खुशखबरी नहीं मिल जाए, आपके जिला आवंटन और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाए तो मैं भी नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे शादी के दिन भी नहीं जाना पड़े, यह मेरा आप लोगों से वादा है। आपकी प्रक्रिया शुरू करवाकर ही मैं यहां से निकलूंगा, इसलिए चिंतित ना हो, कुछ यानी कुछ पल मान लो या एक कदम दूर हो सफलता से, आपके संघर्ष की जीत होगी और आप लोग जल्द ही, आपको खुशियां मिलेगी, आप जल्दी ज्वाइनिंग कर लोगे। मैंने वादा किया था वो वादा निभाऊंगा और जितना प्रयास हो रहा मैं आपका प्रयास कर रहा हूं, दुख में मैं साथ था और जब तक ज्वाइनिंग होगी आपको खुशी के पल न मिल जाए जब तक आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद।